दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताएंगे डिफेंस कोटा से फ्लाइट टिकट कैसे ऑनलाइन बुक करें और किस माध्यम से आप ये फ्लाइट टिकट बुक करेंगे कि आपको इसमें फायदा रहेगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लेटेस्ट डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिफेंस पर्सन अपने घर से दूर देश के हर कोने में अपनी ड्यूटी करते हैं, चाहे वह आर्मी से हो, नेवी से हो या एयरफोर्स से हो या हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज से। सभी सोल्जर की ड्यूटी अपने घर से दूर ही होती है। सेना के जवानों को कुल लगभग 3 महीने की छुट्टी मिलती है। छुट्टी के दौरान उन्हें ट्रेन या फ्लाइट से ड्यूटी से होम टाउन जाना पड़ता है। भारत में लगभग सभी एयरलाइंस कंपनी डिफेंस पर्सन के लिए 50% कंसेशन देती हैं। डिफेंस कोटा में फ्लाइट टिकट के द्वारा डिफेंस पर्सन प्रत्येक वर्ष में काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन एलिजिबल हैं इसके लिए। सर्विस डिफेंस सोल्जर, पैरामिलिट्री फोर्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सन स्पाउस तथा डिपेंडेंट। डिफेंस कोटा फ्लाइट टिकट कई प्रकार से बुक की जा सकती हैं। आजकल उड़चलो वेब फ्लाइट टिकट करने का अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। उड़चलो सभी एयरलाइंस कंपनियों की डिफेंस कोटा फ्लाइट को तुलना करके दिखाता है। उड़चलो से आपको यह पता चल जाएगा कि सबसे सस्ती डिफेंस कोटा में टिकट कौन सी एयरलाइन कंपनी उपलब्ध करवा रही है। उड़चलो वेबसाइट पर डिफेंस कोटा फ्लाइट टिकट बुक करने से वेबसाइट केवल ₹200 प्रति टिकट सर्विस फीस लेती है। यदि आप उड़चलो से बुक की गई फ्लाइट टिकट कैंसिल करते हैं तो एयरलाइंस कैंसिलेशन फीस के अतिरिक्त भी ₹100 कैंसिलेशन चार्ज करता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि डिफेंस कोटा फ्लाइट टिकट आप सीधे एयरलाइंस कंपनी की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं, जिससे आपको ₹200 सर्विस फीस भी बच जाएगी और डिफेंस कोटा फ्लाइट टिकट भी बुक हो जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे नोट कीजिए। ऊपर से क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से पैसे पेमेंट करेंगे तो आपको 5-15% तक कैशबैक भी मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं डिटेल में। जब भी हम डिफेंस कोटे के तहत फ्लाइट टिकट एयरलाइन की वेबसाइट से बुक करते हैं तो हमें उसी एयरलाइन कंपनी के फ्लाइट के प्राइस देख पाते हैं। हो सकता है कि अन्य एयरलाइन कंपनी उससे सस्ते फ्लाइट टिकट दे रही हो, इसलिए फ्लाइट टिकट के प्राइस की तुलना करना बहुत ही जरूरी है। डिफेंस कोटा फ्लाइट टिकट के प्राइस की तुलना के लिए उड़चलो वेबसाइट पर जाइए, अपना बोर्डिंग स्टेशन, डेस्टिनेशन व यात्रा की तारीख डालिए। आपको सभी एयरलाइन कंपनी के फ्लाइट प्राइस का पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको प्राइस कंपेयर करके दिखाई जाएगी। जो एयरलाइन कंपनी सबसे सस्ती फ्लाइट टिकट दे रही है उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। उससे आपको उड़चलो की ₹200 सर्विस फीस भी बच जाएगी। यदि आप एयरलाइन कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक करने में असमर्थ हैं तो आप उड़चलो से भी टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि उड़चलो ₹200 सर्विस फीस के साथ काफ़ी सुविधापूर्वक टिकट बुक करता है। किस तरह से की जाती है डिफेंस कोटा टिकट की बुकिंग? मानकर चलिए उड़चलो में सबसे सस्ती डिफेंस फ्लाइट इंडिगो एयरलाइन की है तो आप इंडिगो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जहां पर आपको स्क्रीन पे दिखाई गई फोटो में आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको आपका
फ्रॉम में आपको जहाँ से जाना है और टू में आपको जिस डेस्टिनेशन पे पहुँचना है। मैं आप डेट डालिए और डेट डालने के बाद इसमें आपको सभी ज़रूरी डिटेल भरनी है और आर्म फोर्स क्लिक करना जरूरी है, अन्यथा आपको डिफेंस कोटा नहीं मिलेगा। आर्म्ड फोर्स पर क्लिक करने के पश्चात सर्च फ्लाइट पर क्लिक करें, जिससे आपको इंडिगो की सभी फ्लाइटों की लिस्ट दिखाई देगी। सभी फ्लाइट टिकट के प्राइस में डिफेंस कोटे के डिस्काउंट भी शामिल किया गया होता है। इन फ्लाइट्स के प्राइस आप उच्चलो के साथ कंपेयर कर सकते हैं, दोनों जगह आपको समान प्राइस मिलेंगे। उड़चलो भी सभी एयरलाइन वेबसाइट से डाटा लेकर उन्हें कंपेयर करके दिखाता है। इंडिगो वेबसाइट इसमें आपको यहाँ पे आर्म्ड फोर्स डिस्काउंट भी दिया गया है, जो कि आपको दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आप एयरटेल मनी से पेमेंट करते हैं तो आपको 10% तक कैशबैक भी मिल जाता है। यानी कि मान के चलिए आप, यदि आपकी 4,000 रुपये की टिकट है तो आपको 400 रुपये तक कैशबैक मिल जाता है। यदि आप रिटर्न टिकट साथ में बुक करते हैं तो आपको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जाता है। इसके पश्चात आपको फ्लाइट सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन दबाना है। इसमें ज़रूरी डिटेल्स जैसे नाम, उम्र, जेंडर, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आर्मी नंबर भरना है। सब डिटेल भरने के पश्चात आपको पेमेंट पेज पर पेमेंट कर देनी है। इस प्रकार आप एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट से टिकट बुक करके काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। समय समय पर एयरलाइन कंपनी द्वारा अलग अलग ऑफर भी देती है। इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से डिफेंस कोटा फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए योग्य होते हैं। कौन कौन सी फोर्सेस, डिफेंस सर्विस पर्सन तथा रिटायर्ड डिफेंस सोल्जर डिफेंस कोटा के तहत फ्लाइट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के सोल्जर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबी भी डिफेंस कोटे के अंतर्गत फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए एलिजिबल हैं। डिफेंस पर्सन अपने लिए तथा डिपेंडेंट के लिए डिस्काउंट को प्राप्त कर सकता है। अभी बात करते हैं कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनी डिफेंस कोटा फ्लाइट टिकट प्रदान करती हैं। भारत में लगभग सभी एयरलाइन कंपनी डिफेंस पर्सन को फ्लाइट टिकट में कंसेशन देती है। एयर इंडिया, गो इंडिया, गो इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज इत्यादि डिफेंस सर्विस पर्सन को, एक्स सर्विसमैन को फ्लाइट टिकट में 50% तक डिस्काउंट देती है। डिफेंस पर्सन को डिफेंस कोटा के अंतर्गत बुक की गई टिकट के ऊपर क्या डिस्काउंट मिलेगा, इस पर आपको डिटेल में बता देते हैं। एयरलाइन कंपनी डिफेंस पर्सन को बेस फेयर में 50% तक डिस्काउंट देती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यह 50% टिकट की कुल कॉस्ट में नहीं दिया जाता है। फ्लाइट टिकट में बेस फेयर के अतिरिक्त पैसेंजर सर्विस फीस, यूजर डेवलपमेंट फीस, फ्यूल सरचार्जेस जैसे चार्जेस होते हैं, जिन पर डिफेंस पर्सन को कोई भी छूट नहीं मिलती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि ध्यान रखना होगा आपको, कि डिफेंस कोटा फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है। फ्लाइट टिकट बुक करते समय आपको कोई भी मिलिट्री आइडेंटिटी प्रूफ नहीं जमा करना होता है। ट्रैवलिंग के दिन डिफेंस पर्सन को आइडेंटिटी कार्ड, डिपेंडेंट कार्ड एयरलाइन अथॉरिटी को दिखाना होता है, इसलिए ट्रैवलिंग करते समय आई कार्ड या डिपेंडेंट कार्ड अवश्य साथ में लेकर जाए। दोस्तों, इस बात पर विशेष ध्यान रखें, आप जब टिकट बुक करेंगे तो आपको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना होगा, क्योंकि आप उस टिकट को ऑनलाइन बुक कर रहे हैं। वहाँ पे आपसे आपका सर्विस नंबर मांगा जा सकता है और वहाँ पे आपको आपका सर्विस नंबर डालना है। इसके अलावा जब आप ट्रैवलिंग करने जाएं
तो आपको एयरलाइन अथॉरिटी को आपका आइडेंटिटी कार्ड और आपके जो डिपेंडेंट हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड, जो डिपेंडेंट कार्ड है वो आपको अवश्य लेके जाना है आपके साथ। तो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो में बताया कि आप किस तरह से ज़्यादा डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं डिफेंस कोटा में अगर आप एयरलाइन टिकट बुक करते हैं। तो ये जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी, अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी कोई राय है हमारी इस जानकारी के बारे में तो हमें कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।